एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रेड लाइफ साइकिल इन जावा, राइट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्टिव काउंट मेथड, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है, मल्टी थ्रेडिंग से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, ठीक है ना। सो एक्टिव काउंट मेथड का क्या यूज है, ये सारा चीजें पूछा जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने विथ एग्जाम्पल डिस्कस किया था, अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। ये सारे मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थ्रेड लाइफ साइकिल। देखो मैंने यहाँ पे VVI लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 80% चांस है अगर जहाँ जावा की प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है ना पॉइंट। चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखो एक चीज याद रखना, कोई भी जावा प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर ना एक मेन थ्रेड होता है। हर एक प्रोग्राम के अंदर एक थ्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड मेन थ्रेड। और JVM मेन थ्रेड को ही कॉल करता है, डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट JVM नहीं करता है, ठीक है ना। तो JVM क्या करता है, मेन थ्रेड को कॉल करता है, और मेन थ्रेड क्या करता है, वो सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है। तो ये थ्रेड होता क्या, देखो एक लाइन में लिखा है मैंने यहाँ पे, थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विथ इन अ प्रोसेस। क्लियर है। एंड द जावा वर्चुअल मशीन मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड्स। क्लियर है। अब ये 5 स्टेप में ना थ्रेड लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, थ्रेड बॉर्न होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना थ्रेड का, तो वहां पे थ्रेड क्या होता है, बॉर्न होता है। तो मैंने एक लाइन लिखा है इसका, अ थ्रेड बिगिंस इट्स लाइफ साइकिल इन द न्यू स्टेट, ठीक है ना। इट रिमेन्स इन दिस स्टेट अंटिल द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड ऑन इट। क्लियर है पॉइंट। चलिए स्टेप नंबर सेकेंड, सेकेंड मतलब रनेबल। रनेबल का मतलब रेडी स्टेट में हो गया। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो रेफरेंस वेरिएबल हम बनाते हैं उसको, जैसे T1 सपोज करो, माई थ्रेड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल मैंने T1 बनाया, T1 डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तो ये जो आपका थ्रेड है अब रेडी स्टेट में चले गया, ठीक है ना। वही चीज मैंने लिखा, आफ्टर इनवोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड ऑन न्यू थ्रेड द थ्रेड बिकम्स रनेबल। क्लियर है पॉइंट। एंड स्टेप नंबर थर्ड, रनिंग में, रनिंग स्टेट में क्या होता है, बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन हो रहा होता है बोल सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अ थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड शेड्यूलर हैज सेलेक्टेड। मतलब जैसे थ्रेड शेड्यूलर इसको सेलेक्ट करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है, एलोकेट करता है CPU में, ये क्या हो जाता है, रनिंग होना स्टार्ट, मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। अगर जहां इसको थ्रेड शेड्यूलर सेलेक्ट नहीं करता है तो वो वेटिंग स्टेटमेंट चले जाता है। तो फोर्थ नंबर है वेटिंग, मतलब ब्लॉक, ठीक है। अ थ्रेड इज इन वेटिंग स्टेट इफ इट वेट्स फॉर अनदर थ्रेड टू परफॉर्म अ टास्क। इन दिस स्टेज द थ्रेड इज स्टिल अलाइव। क्लियर है, मतलब थ्रेड अलाइव रहता है। स्टेप नंबर फिफ्थ, यहाँ पे क्या होता है, एग्जिट हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है। अ थ्रेड इंटर द टर्मिनेटेड स्टेट व्हेन इट कंप्लीट इट्स टास्क। जैसे ये कंप्लीट कर लिया, ये चले गया कहाँ पे, डेड स्टेट में, आप डेड भी बोल सकते हैं उसको। क्लियर है। ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाया। देखो जैसे मैंने यहाँ पे माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे थ्रेड बॉर्न हो गया, ठीक है। और जैसे T1 डॉट स्टार्ट लिखा तो ये रेडी स्टेट में चले गया। अब रेडी स्टेट में क्या होता है, थ्रेड शेड्यूलर जैसे एलोकेट्स करता है, इसको सेलेक्ट करता है, तो ये रनिंग स्टेट में चले जाता है, ठीक है ना। तो रनिंग स्टेट में जाता है तो इसमें क्या होता है भाई, एक जैसे कि रनिंग स्टेट में रनिंग हो रहा है तो रन मेथड, रन बेसिकली रन मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना। तो T1 डॉट स्टार्ट मेथड जैसे कॉल करते हैं तो इंटरनली रन मेथड को कॉल करता है, तो रन मेथड का जैसे काम कंप्लीट, जैसे रनिंग ये कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, डेड स्टेट में चले जाएगा, ठीक है ना। अगर जहां आधा कंप्लीट हुआ है और चाहते हैं कि वो डेड स्टेट में चले जाए, उसके लिए आप स्टॉप, यहाँ पे T1 डॉट स्टॉप मेथड मैंने कॉल किया है, ठीक है। अब अगर जहां थ्रेड के साथ इन मेथड को, जैसे मैंने सस्पेंड, ज्वाइन, स्लीप, वेट मेथड मैंने लिखा है, इनमें से किसी भी मेथड को थ्रेड के साथ अगर जहां कॉल करते हो तो होता है क्या भाई, ये सारा मेथड आपका चले जाता है ब्लॉक्ड स्टेट में, मतलब वेटिंग स्टेट में, ठीक है। और वेटिंग स्टेट में जैसे जाता है ना, तो जो ज्वाइन, स्लीप और वेट है, ये क्या हो जाता है, जैसे ये वेटिंग स्टेट में है अपने आप ये जैसे एलोकेट करेगा, ये अपने आप फिर रेडी स्टेट में आएगा, फिर
फिर जैसे थ्रेड शेड्यूलर इसको सेलेक्ट करेगा, फिर ये रनिंग स्टेट में चले जाएगा। क्लियर? एक जो सस्पेंड मेथड है T1, जो सस्पेंड मेथड होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका थ्रेड को सस्पेंड कर देता है, इसको रिज्यूम करना पड़ता है। देखो T1.resume लिखा मैंने, फिर ये रेडी स्टेट में जाएगा। और जो आपका ज्वाइन है, स्लीप है और वेट है, आप इनमें से टाइम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सपोज करो मैंने लिखा 1000 लिख देता हूँ यहाँ, स्लीप के अंदर मैंने सपोज करो अंदर में मैंने यहाँ पे लिखा 1000। 1000 मिलीसेकंड बराबर 1 सेकंड होता है, ये 1 सेकंड तक क्या करेगा भाई, वेट करेगा, है ना। तो 1 सेकंड के बाद वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप रेडी स्टेट में चले जाएगा। ठीक है, टाइम भी बता सकते हो। और रेडी स्टेट में जाने के बाद जैसे थ्रेड शेड्यूलर इसको सेलेक्ट करेगा, एलोकेट करेगा, तो मैं जैसे एलोकेट करेगा सिपीयू, ये क्या करेगा, रनिंग स्टेट में चले जाएगा। क्लियर है? एंड देन रनिंग के बाद ये आपका कौन सा मेथड को रन कर रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ये रन मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, तो ये डेड स्टेट में चले जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका होता है थ्रेड का लाइफ साइकिल। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो, इतना सारा अगर जहां आप डायग्राम के थ्रू आपने समझा दिया इंटरव्यूअर को कि सर ये एक्सप्लेन कर दिया, तो उससे उस जो है इंटरव्यूअर वो आपसे और क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं, उसको पता लग जाएगा कि आपको आता है। ठीक है ना। ये टोटल फिफ्थ स्टेप होता है जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, ये डायग्राम के थ्रू है। क्लियर है पॉइंट? डन। तो ये चीजें अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ JVM, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोग्राम को क्या करता है, डायरेक्टली JVM कॉल नहीं करता है। तो कौन कॉल करता है भाई, तो आपको पता है यहाँ पे इसको मेन मेथड क्या करेगा भाई, मेन मेथड के अंदर हम ये प्रोग्राम लिखते हैं माई थ्रेड, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, तो JVM मेन थ्रेड को कॉल करेगा, और मेन के अंदर जो ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रेड का, यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। T1.start लिखा है तो ये इंटरनली रन मेथड को कॉल करता है। क्लियर एंड पॉन। तो ये स्टेप होता है, डन, इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है इंटरव्यू। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मतलब थ्रेड बॉर्न होगा, फिर वो T1.start लिखेंगे तो ये रेडी स्टेट में चले जाएगा। जैसे थ्रेड शेड्यूलर इसको सेलेक्ट करेगा तो रनिंग स्टेट में चले जाएगा। रनिंग स्टेट में पहले से कोई रनिंग बेसिकली थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, और एग्जीक्यूट कर रहा होगा मतलब रनिंग हो रहा है, ठीक है ना। और जो कोई बेसिकली जो रनिंग जो है ना, रनिंग स्टेट में रन मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे इसका काम कंप्लीट होगा, ये हो जाएगा डेड अवस्था में। और यहाँ पे अगर जहाँ मेरा जो थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल T1 है, थ्रेड के साथ इनमें से किसी भी मेथड को, जैसे सस्पेंडेड, ज्वाइन, स्लीप, वेट, इनमें से किसी भी मेथड को थ्रेड के साथ हम कॉल करेंगे तो वो चले जाएगा वेटिंग स्टेट में। क्लियर है? ब्लॉक्ड स्टेट में। क्लियर है पॉइंट? तो सस्पेंड मेथड को ओनली हमें रिज्यूम करना पड़ता है, बाकी जो आपका ज्वाइन है, स्लीप है, वेट है, अगर जहाँ इनमें से किसी को स्पेसिफिक टाइम हम नहीं बताते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका रेडी में चले जाएगा। फिर से ये आपका थ्रेड शेड्यूलर जैसे सेलेक्ट करेगा, फिर ये रनिंग में चले जाएगा, एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। देन कंप्लीट होगा, फिर ये डेड अवस्था में चले जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर जहाँ आधा एग्जीक्यूट हुआ है आपका प्रोग्राम, और उसको चाहते हो डायरेक्ट वो डेड अवस्था में चले जाए, T1.stop मेथड को कॉल करोगे तो वो डायरेक्ट चले जाएगा कहाँ पे, डेड अवस्था में, डेड स्टेट में। क्लियर है पॉइंट? तो ये बेसिकली स्टेप होता है। डन, आई होप क्लियर है सबको। तो इसको आप क्या करो, डायग्राम को भी याद कर लो, अगर इंटरव्यू में पूछे तो आप इसको बता सको। ठीक है, इसको नोट कर लो। एंड देन मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है, इसको भी नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिस करो, ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ज्वाइन मेथड क्या होता है, आपका स्लीप मेथड, वेट, वी विल डिस्कस विद एग्जांपल इन द अपकमिंग वीडियोस। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।